guest, Momina Haroon, that is a certified chef from Scapa and has done quite a few internships all around famous cafes in Lahore, one of the most prevalent being Paola's Cosa Nostra. I would like you to talk about basically how you got into cooking. What inspired you to be a chef? Like, what was your road down that line? Talking about Scapa, like, मैंने शुरू ऐसे किया था कि बचपन से आई लाइक कुकिंग एंड शुरू से लाइक आई वॉज कुकिंग और जब भी मेरे घर में जैसे कोई डिनर होता था या कुछ भी इस तरह का होता था तो आई यूज टू गो और मैं कोई एक डिश बनाती थी और सब ने बहुत तारीफ करते थे तो मुझे लगता था कि आई हैव एन नैक फॉर दिस. तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप आई थॉट कि अगर मैं ये कर ही रही हूँ, इफ़ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग तो आई शुड कन्वर्ट इट इनटू सम मॉनेटरी वैल्यू एंड आई शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट. तो जब मैंने ये सोचा कि आई शुड मेक अ करियर आउट ऑफ आई टॉक टू माई मॉम आई सेड कि आई एक्चुअली want to pursue this before going to university. I said कि मुझे अपना जो BBA होता है वो नहीं करना, लेकिन मुझे जो एक culinary वाला पूरा जो एक मतलब एक पूरी डिग्री होती है दैट इज कलिनरी रिलेटेड वो करने थे. तो शी डिडंट अलाउ मी टू डू दैट. शी सेड कि अभी कलिनरी वाली डिग्री मत करो बिकॉज आगे जाके इन लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग, जैसे अगर मास्टर्स करना हो तो यू कैन डू दैट बिकॉज अगर उसकी बेसिस पे आप रखते हो. तो फिर मैंने क्या किया कि मैं इसका फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि मैं कहाँ पर करूँ. तो यहाँ पर मुझे दो ही ऑप्शन मिली, एक थी स्काफा और एक थी कॉथम. तो इन दो ऑप्शन के अंदर से ऑब्वियसली आई थॉट दैट स्काफा वॉज द बेटर ऑप्शन. तो आई वेंट देयर एट उनका फिर था एक उनकी डिग्री थी 3 years की, उनका पूरा BA पाथवे होता है. तो वो आई डेंट डू दैट बिकॉज आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी में इनरोल थी सो आई डेंट गो फॉर दैट. तो स्काफा का जो मैंने किया वो प्रो किचन कोर्स है बेसिकली. उसके बाद यू आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ एंड यू कैन वर्क एनीवेयर आफ्टर दैट. वो आपको इतना ट्रेन कर देते हैं 3 months में कि यू कैन एक्चुअली वर्क एज अ सर्टिफाइड शेफ इन एनी रेस्टोरेंट. तो ओवर देयर इन स्काफा जब तो फिर आई एनरोल्ड इन दैट. मेरी समर ब्रेक चल रही थी तो उसके अंदर आई एनरोल्ड इन दैट सेशन. सोसाइटी में एक मसला बहुत होता है कि अगर आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इन प्रोफेशन के अलावा कोई और प्रोफेशन को वो इतना एक्नॉलेज नहीं करते. 100% इट्स नॉट समथिंग दैट इज रिस्पेक्टेबल. आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन एज वेल इन आवर सोसाइटी दैट वी नीड टू हैव समथिंग स्ट्रांग दैट वी कैन यूज एज अ करियर पाथ. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इंडिपेंडेंट इन दीस डेज, यू नो. ये तक स्काफा में एक बहुत आप एक बबल में होते हो और वो आपको बहुत लाइक प्यार से ट्रीट करते हैं, बहुत कॉडल करते हैं. एग्जैक्टली, आपको बहुत कॉडल करते हैं. ऑब्वियसली वहाँ पे होता है कि लाइक एक रिग्रेस ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे सब बहुत प्रोफेशनल होते हैं. एवरीवन इज वेरी कल्चर्ड एंड वेरी उस तरह, मतलब सबकी बहुत इस तरह नहीं होता कि आपको कोई डांट. इन पाओलास वाज देयर लाइक अ मोर मेल पॉपुलेशन देन अ फीमेल पॉपुलेशन? या बिकॉज़ देयर इज अ परसेप्शन दैट फूड इंडस्ट्री में वुमेन ज्यादा है. आई थिंक पाकिस्तान रियली ब्रेक्स दैट फिनोमेना, यू नो. एग्जैक्टली, मुझे वैसे पर्सनली जब मैं गई थी पाओलास, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एट पाओलास, मुझे यही लगा था कि फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी और फीमेल वर्कर्स ज्यादा होंगी बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे यूजली जो खाना पकाना वाला वो हमारे वो एसोसिएटेड है टू वुमेन. बट व्हेन आई वेंट ओवर देयर और भी जिन रेस्टोरेंट्स में गई हूँ सब में मेल वर्कर्स आते हैं. फिर जैसे मैं जिधर जब मैं काम कर रही थी पाओलास में, तो जैसे हमारी जो पूरी टीम थी 15 लोगों की टीम थी और 12 भी नहीं 13 लड़के थे और एक मैं लड़की थी और एक और सिद्रा मेरे साथ एक और लड़की होती दैट्स इट. हम दो लड़कियां. इफ यू आर वर्किंग इन अ मेल डोमिनेंट एरिया तो वहां पे डिड यू नॉट फेस एनी इश्यूज लाइक मेरा यूजुअली होता है? या होते हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं जब वो वर्क करते हैं मेल पॉपुलेशन के साथ. बट मेरा असल में सीन क्या था कि जब मैं पाओलास में गई थी तो पाओलास में वैसे तो जो हेड शेफ थे, मुझे लगता है इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है कि जो अथॉरिटी है जो द पर्सन ऑन टॉप उसका क्या रोल है. बिकॉज़ आई थिंक गीक चीज इज ऑनेस्टली सॉर्ट ऑफ इनएविटेबल इन टुडेस सोसाइटी. Yeah. It's what precautions, what accountability you will give to that. That's true. तो मेरा वैसे तो overall experience अच्छा था कि मतलब जो सारे जो male workers जो मेरे co-workers थे, all of them were very respectful towards me. Like everyone was very respectful. और वैसे सब मेरे से थोड़े बड़े भी थे age में बहुत, तो वो उस तरह like मुझे और मतलब अच्छी तरह सब treat करते थे, बहुत respect से बात करते थे, एक distance maintain करते थे, उस तरह था. But एक मेरा बस छोटा सा हुआ था mishap जिसमें क्या हुआ था कि एक जो waiter था, the people who were working with me जो chefs थे वो सारे बहुत cultured थे, बहुत अच्छे थे, बहुत like प्रोफेशनल थे. उनमें से किसी ने कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई. लेकिन जो मेरा था एक वेटर था मेरा वहाँ पे, उसने मतलब ही मेड मी फील लिटिल अनकंफर्टेबल. ही वाज लुकिंग एट मी अ लॉट एंड ही यूज्ड टू मैसेज मी ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम. सो मैंने जाके क्या किया कि मैं जाके हेड शेफ के पास गई. आई वेंट अप टू हिम स्ट्रेट. आई सेड टू हिम कि ये बंदा है और ये मुझे ऐसे कर रहा है. एंड द नेक्स्ट डे उसने एक्चुअली दे टुक एक्शन. और मतलब लेकिन अच्छा ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस. आई लर्न्ड अ लॉट बट मुश्किल बहुत था. एंड में जाके भी बस तब भी that you excel in, like something you were famous for, you know. मेरा इस तरह था कि अभी तो मैं सीख रही थी. लाइक मैंने सारे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 महीने थे, तो मैंने दो दो हफ्ते हर को दिए थे. मैंने एक भी लाइक स्टेशन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया. अब उसके बाद क्या कि मैंने कुछ और करना है ये
यही है कि मैं इंटर्नशिप्स करूँ और अगर मैंने कोई कोर्स करना है कोई स्किल और हासिल करना है तो देन आई हैव टू गो अब्रॉड नो बट लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट ऑल द शेफ्स इन पाकिस्तान व्हाट डू यू थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस डू दे हैव डू दे ओनली हैव लाइक दीस इंस्टीट्यूट्स बिहाइंड देयर बैक्स एंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और इज इट लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स अच्छा ऐसे में डिफरेंस क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके अंदर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी एक्चुअली जो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं ना लोग वो वाली क्लास नहीं है जो स्काफा जाते हैं जो कहते हैं हम फॉरेन से वो वाली क्लास नहीं है वो मिडिल मतलब वो लोअर क्लास है बट लोअर और मिडिल क्लास मतलब वाले लोग हैं अपर क्लास का नॉट इवन 1% आई थिंक देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फूड देयर इज इट्स बेस्ड अ लॉट ऑफ ऑन एक्सपीरियंस हमारे जो आपके वो है ना अब जैसे मैंने उधर काम किया था जो हेड शेफ थे वो ऐसे हैं कि उन्होंने बाहर से कोर्सेज करके आए हुए हैं ये करके आए हुए हैं बट जो असल में जो काम कर रहे हैं जैसे टीम थी 15 लोगों की पावलर में तो वो जो 10 लोग हैं ना ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई उन्होंने कोर्स किया या कुछ किया वो शुरू से इस बिजनेस में लगे हुए पहले वेटर थे अब वो ये बन गए और सॉलिड बिजनेस था कैन नॉट जस्ट ओनली डिपेंड ऑन another and you need a lot of funds for that exactly so that risky business I mean being so especially Pakistan I feel like you have a lot of opportunity for professional fields like becoming a doctor becoming an engineer but such creative fields for artists for upcoming chefs for musicians we don't have a lot of platforms we really need to think about what we're doing what we're giving to our youth you know so I think that's really important so yeah. thank you for coming to our podcast I loved listening to you and your experience about cooking It's really like inspiring as women that we can actually go with and do whatever we want and still have someone behind our back. So thank you. And we'll be encouraging more podcasts and hope to see you soon.